जाति मामले में बनी कमेटी को अजीत जोगी ने भूपेश उच्च स्तरीय कमेटी की संज्ञा दी है। दरअसल जाति मामले में हाई पावर कमेटी का फैसला आने के बाद अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमेटी के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। जोगी ने कहा है कि कमेटी की और विधिवत आदेश उन्हें ओर से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कमेटी ने मुझे आदिवासी नहीं माना। 9 अगस्त को ही भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी थी कि एक महीने के भीतर उनकी जाति का फैसला कर दिया जाएगा। अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आदिवासी दिवस के दिन कह दिया था कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है, 1986 तक कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तब तक मेरी जाति का प्रश्न नहीं उठा। लेकिन उसके बाद मई जब राज्यसभा गया तो इंदौर हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ मनोहर दलाल के नाम से व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया और 87 में उस पर मेरे पक्ष में फैसला आया। एक बार इंदौर, दो बार जबलपुर और दो बार बिलासपुर और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। माधुरी पाटिल जजमेंट की हाई पावर कमिटी नहीं थी, ये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की कमेटी थी जिसने भूपेश बघेल की इच्छा अनुसार टेलीविजन में इतना ही खबरें लगातार जारी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।